हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का वीटी चेक्स वाई जेड में। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर के एमसीक्यू। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, बोल रहा है कि एसी मोटर के घूर्णन गति की सिंक्रोनस तथा पोल्स की संख्या होती है। अगर हम थ्री फेज एसी मोटर की बात करें तो इसमें एनएस बराबर क्या होता है, 120, एफएस बटा में क्या होता है, पी होता है। जो फ्रीक्वेंसी होती है क्या होती है, अनुक्रमपाती होती है, जबकि जो पोल्स की संख्या होती है क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है, अनुक्रमपाती, और क्या है, पोल्स की संख्या क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में कौन सी सप्लाई दी जाती है। अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर है तो थ्री फेज की सप्लाई ही दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई दी जाती है तो वह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। शॉर्ट सर्किट किए हुए चालक किस इंडक्शन मोटर के रोटर में प्रयोग किए जाते हैं। तो शॉर्ट सर्किट किए हुए चालक थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर में प्रयोग किए जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए कितने फेज की आवश्यकता होती है। तो न्यूनतम कितनी चाहिए, दो फेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस सप्लाई पर उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो सिंगल फेज पर सप्लाई पर उत्पन्न नहीं किया जा सकता, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सिंगल सप्लाई फेज पर उत्पन्न नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर किस दिशा में घूमता है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में घूमता है। क्वेश्चन नंबर थ्री राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं कि जिस रोटेटिंग स्पीड पर किसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड गति करता है उसे क्या कहते हैं। बोल रहा है कि जो स्टेटर की गति होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे एनएस सिक्रोनस स्पीड कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सिक्रोनस स्पीड कहते हैं। ठीक है, जिस रोटेटिंग स्पीड पर किसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड गतिमान होता है, ठीक है, गतिमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ, रोटर की रोटेटिंग स्पीड सदैव होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही होती है, स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड। और रोटर की स्पीड की बात की तो जिस दिशा में एन एस घूमता है उसी दिशा में एन आर भी घूमता है। एन आर पीछे रहता है, एन एस आगे रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नौ, रोटर स्पीड का नाम सिंक्रोनस स्पीड से होता है। रोटर स्पीड का मान, बोल रहा है कि रोटर स्पीड का मान सिंक्रोनस स्पीड से क्या होता है, कम होता है। एनएस क्या होता है, आगे चलता है, और एनएस क्या होता है, एनआर क्या चलता है, पीछे चलता है एनएस से। ठीक है, पीछे नंबर 10 देख लेते हैं। सिंक्रोनस स्पीड तथा रोटर स्पीड का अंतर होता है, इसका होता है एब्सोल्यूट स्लिप तथा स्लिप, दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर बी 10 का भी राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जब स्लिप को सिंक्रोनस या बोले तो सिंक्रोनस स्पीड के अंश के रूप में व्यक्त किया जाए, जब स्लिप को सिंक्रोनस स्पीड के अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे फ्रिक्शनल स्लिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल स्लिप कहा जाता है। सिंक्रोनस मोटर में स्लिप का मान कितना होता है, सिंक्रोनस मोटर की बात की तो उसकी स्पीड बहुत हाई होती है, तो उसमें स्लिप का अगर मान पूछा जाए तो स्लिप का मान कितना जाएगा, शून्य होता है, स्लिप का मान शून्य होता है। ऑप्शन नंबर फोर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के परसेंटेज स्लिप का मान कितना होता है। तो परसेंटेज स्लिप का मान होता है 2 से 5% होता है। ऑप्शन नंबर थ्री राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देख लेते हैं, रोटर के चालक में प्रेरित ईएमएफ को हम रोटर वोल्टेज कहलाता है। तो इसी प्रकार रोटर वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है, तो रोटर की वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है, तो रोटर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देख लेते हैं, रोटर फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या होता है। तो रोटर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एफ आर बराबर क्या होता है, एस एफ एस होता है। एस एफ एस क्या होता है, एस एफ एस, यहाँ पे एस हो जाएगा, ये हो गया एफ, ये एस, ये सूत्र होता है। तो रोटर ये हो गया रोटर फ्रीक्वेंसी, हो गया स्टेटर फ्रीक्वेंसी, ये एस स्टेटर फ्रीक्वेंसी, मतलब एस स्लिप हो गया, ये स्टेटर फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन थर्ड
राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं 16। स्लिप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? स्लिप ज्ञात करने का सूत्र होता है एस बराबर होता है एन एस माइनस एन आर बटा में एन एस होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है, एस बराबर एन एस माइनस आर आर एन आर बटा में एन एस है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 17। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग के समय रोटर की स्पीड क्या होती है? तो स्टार्टिंग के समय रोटर की और स्पीड की बात करें तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। रोटर की स्पीड क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं स्टार्टिंग के समय रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है। स्टार्टिंग के समय रोटर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, एफ आर का मान पूछ रहा है। हम चूंकि हमको पता है कि एफ आर बराबर क्या होता है, एस एफ एस होता है। स्टार्टिंग के समय एस बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ आर बराबर एफ एस हो जाएगा। तो रोटर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टॉर्क का सूत्र या टॉर्क का मात्रक क्या होता है? टॉर्क का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर। इंडक्शन मोटर का टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस के होता है अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, टाउडी होता है, आर वन टू के क्या होता है, प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोला है, अधिक टॉर्क प्राप्त करने के लिए हमें रोटर रेजिस्टेंस का मान क्या चाहिए? अधिक चाहिए, क्योंकि टाउडी बराबर क्या होता है, आर होता है, आर वन टू होता है, ऐसे कुछ करके। ठीक है, तो आर जितना अधिक रहेगा रोटर टॉर्क भी उतना अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 राइट हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक थ्री फेज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर का हिस्सा नहीं है? मतलब बोल रहा है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का हिस्सा नहीं है। तो क्या है, बैरिंग तो होता ही है, रोटर भी होता है, स्टेटर भी होता है, तो कम्यूटेटर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 23 नंबर, इंडक्शन मोटर में स्थित रहने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो आर्मेचर तो नहीं रहता, स्टेटर, रोटर, मैग्नेटिक पोल्स, तो क्या होता है, स्टेटर्स हो जाएगा। स्टेटर, हर एक मोटर का स्टेशनरी पार्ट क्या होता है, स्टेटर होता है। ठीक है, 24 नंबर देख लेते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कौन सी वाइंडिंग की जाती है? तो थ्री फेज ही वाइंडिंग की जाएगी, अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर है तो थ्री फेज ही वाइंडिंग की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में तीन वाइंडिंग कितने डिग्री पर स्थापित की जाती हैं? मतलब तीनों जो वाइंडिंग होती है कितने डिग्री पर स्थापित की जाती हैं? तो 120 डिग्री की एंगल पर तीनों जो वाइंडिंग है उसे क्या की जाती है, स्थापित की जाती है। ठीक है, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके दिया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।